देखते ही देखते पेट्रोल और डीजल के प्राइसिंग इतने ज्यादा इंक्रीज हो गए हैं पिछले कुछ सालों के अंदर कि लोगों का फ्यूल प्रायोरिटी ऑप्शन भी शिफ्ट हो गया टुवर्ड सीएनजी। और क्यों ना हो, क्योंकि सीएनजी जो है वो इको फ्रेंडली है, साथ ही इजीली अवेलेबल है, अफोर्डेबल है, और साथ ही आपके पेट्रोल गाड़ी के अंदर अगर आप सीएनजी किट लगा लेते हैं तो इजीली कन्वर्ट भी हो जाता है। सो इसीलिए सीएनजी जो है एक बजट कार बन चुकी है और हर कोई अब उसको ऑप्ट करना चाह रहा है। और आप लोगों ने देखा भी होगा कि पिछले कुछ सालों के अंदर जो कंपनीज हैं अब वो फैक्टर फिटेड सीएनजी भी ऑफर करना शुरू हो चुकी हैं, वरना पहले क्या था, रेट्रोफिटमेंट जो सीएनजी थी वो लगवानी पड़ती थी, बट अब कंपनीज ने भी ये चीज़ स्टार्ट कर दी है। और इवन अब तो हमने ये भी देखा है कि पहले हैचबैक्स के अंदर सिर्फ आया करती थी स्मॉल हैचबैक्स के अंदर फैक्ट्री फिटेड सीएनजी, बट अब कंपनीज ने इसको प्रीमियम हैचबैक के अंदर भी स्टार्ट कर दिया देना। रिसेंटली हमने बलेनो के साथ देखा है, साथ ही अब कॉम्पैक्ट एसयूवीज भी सीएनजी के साथ आने वाली है मार्केट के अंदर। सो गाइस, आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं ऐसे कॉम्पैक्ट एसयूवी के बारे में जो कि जल्दी आपको मार्केट के अंदर सीएनजी ऑप्शन के साथ देखने के लिए मिलने वाली है। हेलो गाइस, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिनिया ऑटो व्लॉग्स। सो गाइस, आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे क्रेटा के बारे में जो कि सीएनजी ऑप्शन यानी कि फैक्ट्री फिटेड सीएनजी के साथ आपको मार्केट के अंदर देखने के लिए मिलने वाली है। सो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसे अपकमिंग अपडेट्स आप लोगों से मिस ना हो। सो गाइस, यहां पर मैं आपको एक इमेज दिखा रहा हूं जो कि क्रेटा की स्पाइड हुई है, और इसके अंदर इमेज के अंदर आप देख सकते हैं कि जो क्रेटा है उसके पीछे जो एमिशन टेस्टिंग किट है वो यहां पर लगी हुई है। और इस इमेज का क्रेडिट जाता है मिस्टर सत्या और rushlane.com को जिन्होंने इन इमेजेस को शेयर किया। और इससे ये पता चलता है कि जो क्रेटा है वो जल्दी हमें मार्केट के अंदर सीएनजी ऑप्शन के साथ देखने के लिए मिलने वाली है। ये पहली बार नहीं है कि हमने हुंडई की किसी कार को एमिशन टेस्टिंग किट के साथ टेस्ट होते देखा है। इससे पहले हमने अल्कज़ार को देखा हुआ है, वेन्यू को देखा हुआ है, एंड हुंडई की सिस्टर ब्रांड किया का जो सेल्टोस है, कैरेंस है, उसको भी हमने रोड पर टेस्ट होते हुए देखा है टेस्टिंग किट के साथ। क्योंकि अब जो कंपनीज हैं वो सीएनजी ऑप्शंस अपनी कार्स के अंदर देना स्टार्ट करने वाली हैं, साथ ही अब सेगमेंट भी मैटर नहीं कर रहा है, हैचबैक या फिर प्रीमियम हैचबैक एसयूवी सब के अंदर जो है सीएनजी कंपनीज लाने के लिए सोच रही हैं और टेस्ट भी कर रही हैं अपनी कार्स के अंदर। साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं कि जो किया कैरेंस थी, जब उसको स्पाइड किया गया था एमिशन टेस्टिंग किट के साथ, तो उसके अंदर जो एक स्टिकर होता है जो कि क्वार्टर ग्लास के ऊपर लगा होता है रजिस्ट्रेशन स्टिकर, उससे ये पता चला था कि इसके अंदर 1.4 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन है। सो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सेम ही जो इंजन है वो हमें क्रेटा के साथ देखने के लिए मिलेगा जो कि मोर पावर और मोर टॉर्क प्रोड्यूस करता है, और कहीं ना कहीं ये गुड ऑप्शन भी रहेगा। साथ ही अब बात आ जाती है इसके लॉन्च एंड प्राइसिंग की, और हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसका जो लॉन्च है वो मिड ऑफ 2023 के आसपास हमें देखने के लिए मिल सकता है, और जो इसकी प्राइसिंग होगी वो 1 से 1.25 लाख रुपए के आसपास जो है डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा पेट्रोल से सीएनजी के अंदर। सो गाइस, एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अब विंटर सीजन आ चुका है और साथ ही हमारी स्किन को और भी ज़्यादा हेल्दी रखने के लिए हमें ज़रूरत होती है एक बॉडी लोशन की, और बॉडी लोशन ऐसा होना चाहिए जो कि आपकी स्किन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम तक रहे और आपके स्किन को मॉइस्चराइज करता रहे जब आप बाहर जाते हैं, जिससे कि वो ड्राई ना हो बाहर की हवा से और ख़राब ना हो। इसीलिए मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग यूज़ करें FSAS का बॉडी लोशन, जिसके अंदर आपको आलमंड एंड विटामिन ई मिल जाता है जो कि आपकी स्किन को और भी ज़्यादा नरिश रखता है। साथ ही ये जो बॉडी लोशन है ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है एंड ये पूरी तरीके से नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनाया गया है। सो आप लोग इस बॉडी लोशन को यूज़ कर सकते हैं, एंड साथ ही अगर आप इस बॉडी लोशन को मंगवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक छोड़ दूंगा, साथ ही कूपन कोड भी आप यूज़ कर सकते हैं FSCY, 15% का जो आपको डिस्काउंट है वो मिल जाएगा। सो गाइस, ये था मेरी तरफ से एक अपडेट रिगार्डिंग दी ऑल न्यू क्रेटा सीएनजी जो कि स्पाइड की गई थी नियर पुणे। आप लोग क्या सोचते हैं क्रेटा के बारे में कि सीएनजी ऑप्शन आने के बाद क्या इसकी और सेल पुश हो पाएगी या नहीं, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए अपडेट के साथ। टिल देन टेक केयर, बी सेफ एंड बाय बाय।